मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर आपसे बात की शुरुआत कर रहा हूं। शुरुआत शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि हो सकता है कि आज यह बात पूरी ही न हो, इसे कल तक बढ़ाना पड़े, और यदि आप लोगों ने इस विषय में रुचि दिखाई तो उससे आगे भी बढ़ाना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया है शुरुआत। हो सकता है कि आज इसका अंत भी हो जाए, जिसकी मुझे बहुत कम संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपने दिमाग को समझना जरूरी है। इसे आप आज के इस लाइफ मैनेजमेंट का टाइटल ही कह लीजिए, अपने दिमाग को समझना जरूरी है। मैं जानता हूं कि यह जो शीर्षक है, आप में से कुछ लोगों को अटपटा सा भी लग सकता है, उटपटांग सा भी लग सकता है, और सच पूछिए तो बेवजह भी लग सकता है कि यार इसकी क्या जरूरत है, क्या हम सब पागल हैं, मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं कि हम अपने ही दिमाग को नहीं समझते, तो फिर इस पर बात करने की जरूरत क्यों है, क्या है। मित्रों, मुझे लगता है कि इस पर बात करने की जरूरत है, और सही बात तो यह है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम में से हर कोई हमेशा, आप देखिए कि ये तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं कि मैं तुमको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रहे हो, तुम अपने को कुछ नहीं जानते, मैं जानता हूं कि तुम क्या हो। जब भी हम तैश में आते हैं, किसी का अपमान करना चाहते हैं, किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, या उसको जब तर्क से नहीं हरा पाते तो इस तरह के फिर जुमले ले आते हैं कि मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूं। जबकि सच बात यह है मित्रों कि हम दूसरे को अच्छे से जान ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। इस सच को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं जान सकते, जब हम खुद अपने आप को ही ठीक से नहीं जानते हैं तो दूसरे को क्या जानेंगे, सोच करके देखिए। और मजेदार बात है कि वो दूसरा भी अपने आप को ठीक से नहीं जान रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि न तो हम खुद को ठीक से जानते हैं और न दूसरे को ही ठीक से जानते हैं, लेकिन दावा यह रहता है कि मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूं। कभी कभी लोग ये भी कह देते हैं कि अच्छा अच्छा मुझे तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मैं क्या हूं, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूं। मुझे लगता है कि मित्रों, जब हम इस पर थोड़ा सा शक करने लगेंगे तभी जाकर के इस बात की शुरुआत होगी कि नहीं, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसे मैं बहुत से ऐसे प्रसंग आपको बता सकता हूं, उनकी चर्चा करने की यहां जरूरत नहीं है, कि जबकि एक व्यक्ति ने अपने बारे में एक धारणा बनाई कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, इस तरह की कोई भी धारणा उसने बना ली, ठीक है, और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और प्रश्न और उत्तर का दौर चला, तो पता लगा कि केवल 15 मिनट के डिस्कशन के बाद उसकी धारणा अपने ही बारे में बदल चुकी थी। अगर वह अपने को बहुत बुरा समझ रहा था तो आप यूं कह लीजिए कि और भी ज्यादा बुरा समझने लगा, या कम बुरा समझने लगा, या बुरा शब्द ही उसकी डिक्शनरी से निकल गया और अपने को ठीक ठाक ही समझने लगा। इसके उल्टा भी हुआ, जो अपने को अच्छा समझ रहा था उसको लगा कि नहीं, मैं जितना अपने आप को अच्छा समझ रहा हूं उतना अच्छा हूं नहीं। केवल 15 मिनट की बातचीत के बाद, और उसमें किया क्या गया, कुछ नहीं किया गया, सिंपल सी बात है, उसके सामने कुछ प्रश्न रखे गए, उन प्रश्नों के उसने जवाब दिए, और जो उसने जवाब दिए उन्हीं में से फिर कुछ प्रश्न उछाल दिए गए उसकी तरफ, उसने उन उछाले हुए प्रश्नों को फिर लपका, फिर उसका उत्तर ढूंढा, फिर उसके उत्तर दिए, और फिर इस उत्तर से प्रश्न उछाल दिए गए, और यह क्रम चलता रहा। और 15 मिनट में, यूं कह लीजिए बोलचाल की भाषा में, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मित्रों, पहली बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं वह यह कि हम सब अपने आप को, इनफैक्ट सच यह है कि नहीं जानते हैं, और जब आप इस बात पर एक बार यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे, तब फिर आगे की यात्रा शुरू होगी, और वह होगी कि अब हम अपने को जानने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज तो फिर बात खत्म हो गई कि हम अपने आप को जानते ही हैं। मित्रों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों जानना चाहिए अपने दिमाग को, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी आशंकाएं हैं, जितनी भी जटिलताएं हैं, ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं, देखिए सब के सब निगेटिव सेंस में है। निगेटिव एक नकारात्मक वर्ग की चीजें हैं, समस्याएं, परेशानियां, दुख, जटिलताएं, आशंकाएं, डर, भय, ये जितनी भी आशंका अपने आप में डर ही है, भय ही है, ये जितने भी तत्व हैं, ये सब के सब नकारात्मक है। और मजेदार बात यह है कि इनसे हर कोई पीड़ित है, बहुत बुरी तरह से ग्रसित है। और इससे भी मजेदार बात यह है कि सच में अगर देखा जाए तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि जो भौतिक जगत है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं, उनमें ये चीजों इनका अस्तित्व ही नहीं है, उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुल मिलाकर के ये होती ही नहीं है, होती भी है तो इतने कम मात्रा में होती है, भौतिक जगत में नहीं, आंतरिक जगत में। मैं अब आंतरिक जगत की बात कर रहा, हमारा दिमाग जो है वो आंतरिक जगत का हिस्सा है, वो अंदर है, वो हमें दिखाई नहीं देता, हम अपने दिमाग को छू नहीं सकते, अपने दिमाग के साथ हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उसे दुरुस्त करें, बस इसके अतिरिक्त कुछ भी करने का हमारे पास उपाय ही नहीं है, इसको केवल ठीक करना होता है। जिसे निदा फाजली साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है दोस्तों, उन्होंने कहा कि अपना दुख लेके कहीं और न जाया जाए, अपना दुख लेके कहीं और न जाया जाए, अपने घर के बिखरे साजों को सजाया जाए। दैट्स ऑल, अपने घर में ही जो सामान है, जो भी सामान, साजो सामान जो पड़ा हुआ है, केवल उसको आप सजा लीजिए, उसको ठीक ठाक कर लीजिए, आपके दुख भी ठीक ठाक हो जाएंगे। उसको लेकर के अगर आप, मैं, हम सब कहीं भी गए तो उससे कोई बात बनेगा ही नहीं। उसको फिर हमारे एक मध्यकालीन कवि ने कह दिया, सुनी इठलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई, कि आपके दुख को सुनकर लोग मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, सुनी इठलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई, आपके दुख को कोई बांट नहीं सकेगा। तो फिर क्या करें, कोई बांट सकता नहीं है, कुछ नहीं। निदा फाजली साहब कहते हैं कि अपने बिखरे हुए सामा को सजाया जाए, केवल आप इसे समझ लीजिए, दिमाग में जो चीजें भी बिखर गई हैं, जो सही स्थिति में नहीं है, उनको सही जगह पर रख दीजिए, खत्म हो गई बात, दुख खत्म हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत उन्होंने ये बात मित्रों कही है, जो बड़ी फिलोसॉफिकल है। जब हम विचारों की बात करते हैं तो आप देखिए कि हमारा दिमाग हर समय ऐसा लगता है जैसे कि विचारों का मेला लगा हुआ हो, और ये जो मेला भी है ना, मेला के साथ साथ ठेलम ठेला भी बहुत ज्यादा है, यानी कि वो कोई सिस्टमेटिक भीड़ है, वो कोई क्रम से चल रही, नॉट एट ऑल, आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे को उखाड़ रहे हैं, पछाड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। कभी दिमाग को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, कभी जरा सा कोशिश कीजिए कि दिमाग में जितने भी विचार उठ रहे हैं उनको आप देख सके। यस, यू कैन विजुलाइज, आप दिमाग में उठने वाले विचारों को देख सकते हैं। थोड़ी कोशिश तो कीजिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये कोई बहुत बड़े अध्यात्म की बात नहीं है, कोई तंत्र की बात नहीं है, कोई बहुत ही बड़े ध्यान की भी बात नहीं है कि मेडिटेशन की बात हो। आपको केवल इत्मीनान से बैठ करके और अपने दिमाग की तरफ अपने आंखों को ले जाना होगा और समझने की कोशिश करनी होगी, तो आप देखिए कि वहां विचित्र किस्म की धक्का मुक्की लगी हुई है, विचार एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, एक साथ कई कई आ रहे हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी गिनती की है कि 24 घंटे में हमारे दिमाग में लगभग कितने तरह के विचार आते हैं, कितने विचार आते हैं, तरह तो शब्द हटा दीजिए, कितने विचार आते हैं। तो सामान्यतः देखिए उसमें डेटा जो है अलग अलग है, जो संख्याएं हैं वो अलग अलग है, लेकिन औसतन आप मान के चल सकते हैं कि 60,000 विचार रोजाना हमारे दिमाग में पैदा होते हैं, 60,000, राइट। और हम विचारक नहीं कहलाते, इसके बावजूद हम विचारक नहीं कहलाते, उसका कारण होता है, कारण यह होता है कि उन 60,000 विचारों में एक भी विचार नया नहीं होता। विचारक तो तब कहलाएंगे ना जब आप कुछ नया बताएं, एक भी नया नहीं होता। तो फिर ये कौन से विचार हैं जो लगातार भीड़ बनाए हुए हैं, ये वे विचार हैं जो पहले भी आ चुके हैं। यानी कि
जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं, जिसे हम गलती से ये कह बैठते हैं कि मैं विचार कर रहा हूं, यह मेरा विचार है, नो, मेरा विचार नहीं है, वो उस विचार के प्रति मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी सहमति या असहमति है, वो मेरा विचार है ही नहीं, मेरा विचार आ ही नहीं सकता, उसके लिए दिमाग में स्पेस ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो केवल उसे या तो ओके कर रहा हूं या उसे रिजेक्ट कर रहा हूं, और उसे ही मैं गलत फहमी में पढ़ करके अपना विचार कह देता हूं। तो जो विचार आ रहे हैं वो पुराने ही विचार आ रहे हैं, मतलब यह कि विचार अपने आप को दोहरा रहे हैं, रोजाना दोहराते हैं, एक ही विचार एक ही दिन में कई कई बार अपने आप को हमारे दिमाग में दोहराता है। कभी तो जो कहते हैं उन्हीं शब्दावलियों में दोहरा देता है, कभी थोड़े से शब्द भाषा बदल जाते हैं, केंद्र वही होता है, उसका तत्व वही होता है। तो मित्रों, आप अब एक बात थोड़ा सा अपनी तरफ से सोच कर देखिए, इसके बाद मैं आज के इस वार्तालाप को यहीं खत्म करूंगा। वार्तालाप तो नहीं कहना चाहिए, एक तरफा बात मैं कर रहा हूं, वार्तालाप तो तब हो ना जब आप आमने सामने बैठकर बातचीत की जाए, कि जब विचार अपने आप को दोहरा रहे हैं और ये विचार ही हमारे दुख सुख परेशानी, सुख तो ना कहें, कुछ सीमा तक है, चलिए उस पर मैं कभी बाद में बात करूंगा, जटिलताओं के केंद्र में है, तो अगर विचार अपने आप को दोहरा रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी समस्याएं भी अपने आप को दोहरा रही हैं, हमारे दुख भी अपने आप को दोहरा रहे हैं, हमारे भय डर आशंकाएं जटिलताएं भी अपने आप को दोहरा रही हैं, क्योंकि वो सीधे विचार से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि हमारी पूरी जिंदगी इन समस्याओं और परेशानियों का सामना करने में ही खत्म हो जाती, जबकि हम उनका सामना कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सामना बाहर की तरफ से कर रहे हैं, जबकि बाहर इनका निदान है ही नहीं। तो मित्रों, ये मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, आप सब भी इन पर भरपूर विचार करें, और मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप सब अपने विचारों से मुझे अवगत भी कराएंगे। आगे अब कल इस पर फिर बातें करेंगे, तब तक के लिए मित्रों मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।